तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अर्थिंग किस प्रकार से किया जाता है। और हम हमेशा देखते हो कि हमारे घर का अर्थिंग कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, या जनरेटिंग स्टेशन का अर्थिंग कैसे करते हैं। तो मैं आज आपको बता दूँ, यह है आपका पाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर पाइप के टाइप का ये रहता है जे पाइप, मतलब गैल्वेनाइज आयरन पाइप रहता है, जिसके थ्रू आप इसको अर्थ करने के लिए यूज़ करते हो। तो अर्थ क्यों करते हो, तो जब आपका फॉल्ट करंट रहता है या लीकेज करंट रहता है तो वो सडनली ग्राउंड होना चाहिए, तो इसके लिए ये अर्थिंग का मेथड यूज़ किया जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये पाइप अर्थिंग यूज़ कहाँ किया जाता है। तो आप जब भी लो या मीडियम वोल्टेज का वायरिंग का इंस्टॉलेशन करते हो, तभी आप पाइप अर्थिंग यूज़ कर सकते हो। तो मैं पहले बता दूँ पाइप अर्थिंग किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका ये आपका सरफेस है, आपका ग्राउंड जहाँ पर आप और उसके नीचे यहाँ पर इतना 575 सेंटीमीटर का गड्ढा करके उसके अंदर ये पाइप अर्थिंग बिठाया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका फनेल। फनेल क्यों यूज़ किया जाता है, तो आपको यहाँ दिखा रहे अर्थ करने के लिए उसका अर्थ का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो अर्थ का रेजिस्टेंस कम होने के लिए वहाँ पर कोल यूज़ किया जाता है, साल्ट यूज़ किया जाता है। उसका साल्ट का यूज़ होता है कि यहाँ का मॉइस्चर कंटेंट रखने के लिए, और कोल का यूज़ होता है कि वाटर का इवेपोरेशन नहीं होने जाए, मतलब वाटर कंड यहाँ पर ये रखा जाता है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर ये इस प्रकार से पाइप रखा जाता है, और यहाँ पर होल किया जाए, आपको दिख रहा है ये होल क्यों किया जाता है। तो समझो आप समर के सीजन में या गर्मियों के दिन धूप बहुत होती है, तभी क्या होता है कि पानी का ये ऑपरेशन होता है, तो उसके वजह से यहाँ का अंदर का पूरा गिल्ला खत्म हो जाता है, मतलब पूरा सूखा हो जाता है। तो भी यहाँ पर ये फनेल आपको दिख रहा है, यहाँ से पानी डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, पूरा गिल्ला हो जाएगा, और उसके बाद आपका अर्थ का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए ये फनेल का यूज़ किया जाता है। हाँ, और यहाँ पर ये सीआई कवर, माने आपका समझो आपको पानी डालना है, तो ये आप खोल सकते हो, खोल के आप पानी डाल सकते हो, या कनेक्शन कर सकते हो, या देख सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्थिंग करने के लिए यहाँ पर आपको अर्थ वायर अंदर यहाँ पर डाला और यहाँ पर कनेक्ट किया आपका। तो अर्थ वायर कहाँ जाता है, तो यहाँ पर आपका बॉडी प्लेट रहता है, तो मोटर का बॉडी रहता है, वो बॉडी से आप अर्थ किया जाता है, या आपके सॉकेट में यहाँ पर अर्थ का एक टर्मिनल रहता है बड़ा वाला, तो भी यहाँ पर अर्थ किया जाता है। तो ये अर्थ जनरली रेजिडेंशियल में यूज़ किया जाता है, और ये 575 सेंटीमीटर इतना अंदर रहता है, और इसका जो ये रहता है डायमीटर वो 20 mm रहता है। तो ये हो गया पाइप अर्थिंग। अब मैं आपको प्लेट अर्थिंग बताऊंगा, ये आपका प्लेट अर्थिंग है। प्लेट अर्थिंग में क्या होता है कि आपका प्लेट यूज़ किया जाता है फॉर अर्थिंग के लिए। प्लेट का डायमीटर कितना होता है, मतलब प्लेट का लेंथ कितना होता है, तो प्लेट का 60 मीटर ऐसा होता है, 60 मीटर हाइट में होता है। और उसका जाड़ी कितना होगा, जाड़ी माने आपका ये वाला, ये आपका जाड़ी रहता है ना, ये आपका जाड़ी होगा वो 3.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर जे वायर कनेक्ट किया है बॉडी से, और यहाँ पर किया जे वायर, और आपका ये फनेल यहाँ पर है, ये आपका फनेल है, तो यहाँ से आप पानी वगैरह डाल सकते हो, और ये आपका सीआई कवर है। हाँ, तो अर्थ यहाँ पर कोल यहाँ पर इस प्रकार से डाला है, तो इस प्रकार से डालेंगे, कोल और साल्ट दोनों मिक्स करके डालेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो प्लेट आपका कॉपर का बनाया रहता है, कॉपर प्लेट रहता है। हाँ, तो ये यूज़ किया जाता है फॉर अर्थिंग के लिए। और यहाँ पर सीमेंट किया है, सीमेंट का कंक्रीट है, मतलब इसको कोई मैकेनिकल डैमेज ना हो, इसलिए इसको फिक्स करने के लिए सीमेंट का कंक्रीट किया जाता है। हाँ, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है,
तो आपको मालूम होगा कि जनरेटिंग स्टेशन में बड़े बड़े जनरेशन होते हैं हाई करंट में, तो वहाँ पर अर्थ लीकेज करंट हाई रहता है, तभी तो वहाँ पर यह प्लेट अर्थिंग किया जाता है। और आप सब स्टेशन मालूम होगा आपको, तो सब स्टेशन में भी ये प्लेट अर्थिंग यूज़ किया जाता है अर्थिंग के लिए। हाँ, तो इस प्लेट अर्थिंग में इतने फर्क, क्योंकि यहाँ पर छोटा रॉड यूज़ किया जाता है और यहाँ पर प्लेट यूज़ किया जाता है। इन दोनों का पर्पज़ एक ही होता है कि ये दोनों अर्थ के लिए यूज़ किया जाता है। और ये रहता है, ये 490 सेंटीमीटर डीप रहता है इन जमीन के अंदर। ये आपका सरफेस है, ये सरफेस के नीचे आपका इतना अंदर रहेगा। तो ये इस प्रकार से किया जाता है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, और आपको अलग अलग वीडियो चाहिए तो और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही था कि अर्थिंग कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार से अर्थिंग किया जाता है। धन्यवाद।